कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच संभावित गठबंधन एक अबूझ पहेली बन गई है। गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों के बीच हां ना के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आपके सामने खुली पेशकश की है। 7 सीटों वाली दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए 4 सीटों की पेशकश करते हुए राहुल ने कहा कि अब बारी आपकी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने केजरीवाल पर यू टर्न लेने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी की इन बातों का अरविंद केजरीवाल ने भी जवाब दिया है। केजरीवाल ने तो कांग्रेस पर यूपी और अन्य राज्यों में बीजेपी की मदद करने का आरोप लगा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि गठबंधन की राहुल की इच्छा महज दिखावा है। दरअसल राजधानी दिल्ली में काफी दिनों से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने की अटकलें हैं, लेकिन दोनों तरफ से कोई बड़ी कोशिश नहीं हुई। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्वीट के बाद एक बार फिर गठबंधन की उम्मीद जगी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर पलटवार किया है। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और गोपाल राय भी मौजूद रहे। करीब 2 घंटे चली बैठक में गठबंधन को लेकर मंथन हुआ। गठबंधन को लेकर संजय सिंह ने कहा कि राहुल ने ट्वीट कर मंशा जाहिर की है, लेकिन ट्विटर पर ये बातें नहीं की जा सकती। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि आपने कांग्रेस से बात करने के लिए संजय सिंह को अधिकृत किया है। राहुल जी भी कांग्रेस की तरफ से एक ऐसे व्यक्ति को अधिकृत करें जो आपके साथ बैठकर सभी 18 यानी दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ सीटों पर बीजेपी को हराने की रणनीति बना सके। उन्होंने कहा कि कौन सा यू टर्न, अभी तो बातचीत चल रही थी। आपका ट्वीट दिखाता है कि गठबंधन आपकी इच्छा नहीं मात्र दिखावा है। मुझे दुख है आप बयानबाजी कर रहे हैं। आज देश को मोदी शाह के खतरे से बचाना अहम है। दुर्भाग्य की आप यूपी और अन्य राज्यों में भी मोदी विरोधी वोट बांटकर मोदी जी की मदद कर रहे हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 12 मई को मतदान होना है और ऐसे में इस तरीके से दोनों दलों का रुख जो है वो सामने आया है और इस पर अब आगे क्या कुछ होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। SPN 9 न्यूज के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।